हेलो गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है रजनीश के चैट चैनल पे। मैथ्स वीडियो में नोज सेट करके बताऊंगा जो जब मैं बिगनर था तो मैं क्या मिस्टेक करता था और अब नहीं करता वो मिस्टेक। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा एंड जो भी नए व्यूअर्स हो मैं उनके लिए गिव अवे लाया हूँ। आप लोग मेरे से फ्री स्केच बनवा सकते हो, अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हो तो कर लो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का और आप लोगों को वीडियो के लास्ट में यहाँ पे आइकन में भी मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लेना। एंड तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने दो आउटलाइन बना लिया है नोज़ का। तो फर्स्ट आउटलाइन वाले में मैं बताऊंगा जब मैं बिगनर था तो मैं क्या गलती करता था एंड अभी भी जो बिगनर्स होते हैं ये गलती करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए। तो मैं जब बिगनर था तो मैं वही करके बताऊंगा फर्स्ट वाले में। तो मैं सीधा डायरेक्ट डार्क पेंसिल लेता था एंड शेड करना स्टार्ट कर देता था जैसा कि आप लोग देख रहे हो। उस समय मेरा पेशेंस लेवल बहुत ही कम था और मैं जल्दबाजी से कोई भी वर्क करने लगता था। तो जल्दी ये भी होता है कि बिगिनर्स में ये पेशेंस लेवल बहुत डाउन रहता है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी करने लगते हैं तो ये नहीं करना होता है। तो मैं यही करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को जो कि मेरे में ये एक मिस्टेक होता था। मैं जल्दी 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 करने लगता था एंड डायरेक्ट डार्क शेडिंग स्टार्ट कर देता था। और मैं एक ही पेंसिल का यूज करता था क्योंकि उस समय मुझे उतना पता नहीं था और डायरेक्ट मैं उसी से डार्क और उसी से थोड़ा हल्का कर देता था एंड ब्लेंडिंग स्टेम से पूरा ब्लेंड कर देता था। थोड़ा सा भी मतलब नहीं छोड़ता था जहाँ पे लाइट होना चाहिए, मैं पूरा अच्छे से ब्लेंड कर देता था। बट ऐसा नहीं है, जहाँ पे हाईलाइट है आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देना है, तो ये नहीं करता था मैं। एंड जो एक बड़ा मिस्टेक करता था, इतने डार्क शेडिंग करने के बाद मैं हाईलाइट इसके ऊपर से देने लगता था, ये नहीं करना होता है। तो बस मेरा एक ये भी मिस्टेक था। जब ये कंप्लीट होता था तो रिजल्ट इसका ऐसा आता था एंड उतना भी कुछ खास नहीं लगता था, रियलिस्टिक भी नहीं लग रहा। तो ये कुछ रिजल्ट था मेरा रहता था, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब जो होगा जो मैं अब करता हूँ अभी रियलिस्टिक इसको बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग अंतर देख लेना कितना बड़ा अंतर मिलेगा आप लोगों को। तो मैं स्टार्ट करूंगा नटराज पेंसिल से, एकदम लाइट पेंसिल से, वो HB पेंसिल है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट शेडिंग करूंगा पूरे नोज़ में। लाइट शेडिंग करने के बाद उसे मैं ब्लेंड करूंगा कॉटन के मदद से, उससे स्मूथ शेडिंग होगा। एंड फिर उसके बाद मैं वही नटराज पेंसिल का यूज करके ही जहाँ पे डार्क हो है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देके उसे डार्क करूँगा। पूरा पेशेंस के साथ और अच्छे टाइम लगा के मैं इसे बनाऊँगा, तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग पूरा टाइम दो अपने वर्क में, वो अपने आप बहुत अच्छा बनेगा, पूरा रियलिस्टिक बनेगा। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हो जब मैं डार्क थोड़ा दे दिया तो उसे मैं फिर से ब्लेंड कर रहा हूँ कॉटन की मदद से, एकदम स्मूथ ब्लेंड होगा। अब मैं HB से थोड़ी
ऊपर ग्रेड्स की पेंसिल लिया हूँ और जैसे 2 भी लिया हूँ, तो मैं थोड़ा डार्क करूँगा, इससे थोड़ा डार्क वैल्यू आएगा, तो मैं इससे थोड़ा डार्क करूँगा। फिर उसके बाद मैं कॉटन की मदद से इसे भी ब्लेंड करूँगा धीरे धीरे, एकदम अच्छे से पेशेंस के साथ काम करना है। फिर ये जो ब्लैक वाले पार्ट है, इसे मैं 6B पेंसिल, जो डार्क पेंसिल होती है, डार्क पेंसिल आप ले सकते हो 8B 6B, तो मैं उसे अच्छे से डार्क कर देता हूँ एंड फिर HB पेंसिल का यूज करके फिर डार्क वैल्यू लाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मैं डार्क पेंसिल लिया 6B एंड फिर से जहाँ पे डार्क होना है वहाँ पे मैं डार्क वैल्यू लाने की कोशिश करूँगा एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं उसी तरह अच्छे से ऑब्जर्व करके कर रहा हूँ और डार्क वैल्यू लाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसे भी मैं ब्लेंड करूँगा कॉटन की मदद से, तो ये पूरा स्मूथ लगेगा। इसे मैं पूरा अच्छे से टाइम देके बनाऊंगा, जितना हो सके इस पे एक्सपेरिमेंट करूंगा और इसे बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, पूरा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह हम लोग करते हैं एंड ये जो बिगिनर रहते हैं ये उनके वो नहीं करते हैं, तो बस यही मिस्टेक रहती है उनमें, तो ये करने पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। फिर मैं अब थोड़े हाईलाइट करूँगा, बिल्कुल थोड़े थोड़े करना है एंड फिर उसके बाद थोड़ा ब्लर करूँगा इसी के ऊपर। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिला होगा और अगर आप लोग नए व्यूअर्स हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किए हो, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना, तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आता है तो जो बिगिनर्स रहते हैं उनको ये नहीं समझ में आता, बट इस तरह बनाना चाहिए हमें, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। तो लास्ट में हमारा ड्राइंग कुछ ऐसा लग रहा एंड मिलता हूँ आप लोगों से अगले और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।